नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आर्ट क्लास के अंतर्गत कुकिंग क्लास लेंगे गर्ल्स के लिए। तो जैसे कि मानसून आने पे अक्सर सर्दी खांसी हो जाया करता है, तो उसके लिए घर में अनार की पत्तियों से काढ़ा कैसे बनाएं वो हम बताएंगे। यह काढ़ा गले में खांसी सर्दी से बचाव करता है। अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा पीते हैं तो भी उपयोगी है। इसकी पत्तियों का काढ़ा खांसी जुकाम के साथ गले में संक्रमण में भी राहत देता है। तो घर में बनाने के लिए काढ़ा कम से कम इतनी पत्तियां नरम और ताज़ी ले लें। अनार की पत्ती तो कहीं भी मिल जाती है, और उसको एक गिलास पानी में अच्छे से उबालें। उबालने के बाद इसको छान कर गुनगुनानी दिन में दो बार पिए। इसमें काली मिर्च और तुलसी पत्ता डाल देने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो आइए चलिए बताते हैं काढ़ा कैसे बनाएं। नरम नरम और नई पत्तियों को लेना है। अनार का पत्ता है, हाँ, इसका आज कुकिंग क्लास में काढ़ा बनाना बताएंगे। तो ये आप कहाँ से लाए इसको? बगीचे। हाँ, और सब नरम पत्तियाँ लिए हो ना? हाँ, हाँ। नहीं ना, पांच का पत्ता। हाँ, इसी के लिए हम इतना हो जाएगा ना? हाँ हाँ, काढ़ा हम डालेंगे, बस ले आइए। चलिए शुरू कीजिए बनाना। ये है पान का पत्ता, इसको डाल रही हूँ। अनार की पत्ती है, उसको डाल रही हूँ। और एक गिलास पानी डाल रही हूँ। और काली मिर्च, काली मिर्च। इसमें तुलसी पत्ता डाले हैं? तुलसी पत्ता डाला है ना इसमें? हाँ, काली मिर्च कूटना है। काली मिर्च इतना डाल, हाँ, कूटना है उसको। इसको चढ़ा दीजिए पहले। काली मिर्च कूट के डाल दीजिए। काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। बस अब इसको ना कम से कम 20 मिनट तक, इसको जब पानी एक कप हो जाए, उबल के एक कप पानी बच जाए, तब छानना है इसको। अब इसको तेज आंच में उबलने दीजिए। एक कप पानी होगा तभी छानेंगे। हाँ, पानी एक कप बचा है उबलने के बाद। हाँ, एक कप बचा है तो छान लीजिए। हमेशा ना एक गिलास पानी पूरा उबलने के बाद एक कप बच जाए तभी छानना है। और इसे हल्का गुनगुना रहे तो इसको एक चम्मच इसको पीना है। यह काढ़ा सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। बस इसको एक चम्मच पीना है गुनगुना। देखिए हमारा काढ़ा बन चुका है। इसको गुनगुना पीने से फायदा करता है। और छानने के बाद देखो, इसको उबालने के बाद पत्तियाँ इस प्रकार हो गई, और ये आधा कप, एक गिलास पानी में उबाले तो आधा कप निकला। हमारा इस वीडियो का लिंक या पार्ट टू है कुकिंग क्लास का, इसका आधा लिंक शरबत वाली वीडियो में भी डाला है। तो ये कुकिंग क्लास का पार्ट टू है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग भी बनाइए बरसात के लिए ऐसा काढ़ा। यह बहुत फ़ायदेमंद है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।